अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फजा एहसान अली एंड यू आर वाचिंग एचयू फाइनली विद फजा एहसान अली। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड मेंडेलियन लॉ ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम जो की कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि बायोलॉजी है क्या और डॉक्टर ऑफ द सलाम वो कौन थे और जो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की वो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। और इसी तरह हम एक और टर्म सीखेंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये सारी चीज हम सीखने जा रहे हैं आज। आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या है और उसकी मेजर डिवीजन क्या है। अगर हम लफ्ज बायोलॉजी की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर बायोलॉजी की टर्म बनती है। वो जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला वर्ड है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ, यानी बायोस का मतलब लाइफ। और इसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब इसके बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से चंद एक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको दी स्टडी ऑफ भी कह सकते हैं, आप इसको डिस्कर्स भी कह सकते हैं, आप इसको थॉट भी कह सकते हैं, आप इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं, इनमें से कोई भी मीनिंग आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम चूंकि हमारा वास्ता इसके साथ दी स्टडी ऑफ के साथ बहुत ज्यादा रहेगा तो आपने ये याद रखना है इसका मतलब दी स्टडी ऑफ भी है और इसका मतलब रीजनिंग या थॉट भी है। तो अगर हम इस तरह बायोलॉजी को डिफाइन करें तो हम बायोलॉजी को इस तरह यू डिफाइन करेंगे कि दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज, इन दोनों वर्ड से क्या बनेगा, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम अगर दोनों को मिला दें तो यही चीज बन जाती है दी स्टडी ऑफ लाइफ। सो दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब अगर हम आए बायोलॉजी की मेजर डिविजन की तरफ तो बायोलॉजी की थ्री मेजर डिविजन है बायोलॉजी में, और इनमें एक पहली है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी, तीसरी है जी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। देखिए ये जो जूलॉजी जो टर्म है ये एनिमल्स के लिए है। तो अगर हम जू पर बात करें, जू ये जो लफ्ज जू है ये जू एनिमल्स को रेफर करता है। और लोजी आपको पहले बता चुका हूँ दी स्टडी ऑफ, तो दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाएगी जी, जूलॉजी कहलाएगी। सो जूलॉजी इज दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर इसी तरह बॉटनी, ये जो बॉटनी है ये साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स की, तो प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं जी बॉटनी। और ये लफ्ज बोटैन से निकला है और बोटैन का मतलब आपके पास गार्डन या प्लांट्स वगैरह है। इसके बाद जो आपके पास डिवीजन आती है माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी जो लास्ट और लेटेस्ट आपके पास डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ये एक स्टडी है जिनकी जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप आम आम से नहीं देख सकते। सो ये आप नेकेड आई के जरिए नहीं देख सकते बल्कि इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सो डिपेंड करें कि माइक्रोस्कोप अब मार्केट में अवेलेबल है, उनको यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, इनसे आप बहुत ज्यादा आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये फंजाई, बैक्टीरिया और इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट खास होते हैं। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म